दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप न्यूज चैनल अपना न्यूज पोर्टल शुरू करना चाहते हैं तो उसके विषय में कुछ नियम कानून मैं आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि आज के जो युवा हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जोश है। तो अगर आपके अंदर जोश है, कुछ करने का जुनून है, समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो कई लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी पढ़ाई करके यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल बनाकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और कई लोग जो पेशे से मीडिया में हैं उन्होंने कहीं अच्छी जगह से पढ़ाई की है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, लेकिन भी किसी अच्छी कंपनी को छोड़कर, किसी अच्छे न्यूज चैनल को छोड़कर अपना न्यूज चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। तो मैं इसी विषय में कुछ नियम कानून बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करें। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जो लोग चाहते हैं कि वो सोशल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर अपना चैनल बनाकर काम करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं से इलीगल नहीं है। अगर कोई आपको फेक पत्रकार, फेक मीडिया बोलता है तो यह गलत है। अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आखिर कहाँ कराएंगे? आप चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाकर काम करें, फेसबुक पेज पे चैनल बनाना चाहते हैं, तो आखिर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है? तो आपको यहाँ पर एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन, जो कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है, आपको करा लेना चाहिए। आप क्लास 63 में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना रहे हैं, न्यूज चैनल बना रहे हैं, न्यूज दिखा रहे हैं, अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो यहाँ पर एक सरकारी कागज आपके पास हो जाता है, यहाँ पर एक प्रूफ हो जाता है, एक सरकारी कागज आपके पास तैयार हो जाता है। आपको कोई फेक यहाँ पर मीडिया नहीं बोल सकता है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो समाचार पत्र के माध्यम से काम करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि उनका पूरा कानूनी तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो, तो उन्हें PRGI में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अगर आप सेटेलाइट चैनल बनाकर काम करते हैं तो फिर आपको MIB में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन मेरा यह सजेशन है कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप पहले MSME में ही रजिस्ट्रेशन कराकर अच्छे से काम करें। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, शब्दों का अच्छा ज्ञान है, आप अपनी बातों को अलग तरीके से रख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, तो आप पहले ऐसे ही काम करें। अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, अपना मुकाम बना लेते हैं, अपना पहचान बना लेते हैं, तो फिर आप MIB में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पूरे मीडिया की तरह काम कर सकते हैं, और आप मीडिया ही बन जाते हैं। आप फिर प्रेस कार्ड भी जारी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर न्यूज दिखा रहे हैं उनके लिए कोई अलग से कानून नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल बनाकर दिखा रहे हैं तो यहाँ का मौलिक अधिकार है। और फिर IT Act का रूल 2021 आपको पूरी आजादी देता है कि आप न्यूज दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर पुलिस भी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप उनसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर रोहित जर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।